नहीं, वो ये कहते हैं कि ना कोई मुफाहमत की सूरत निकल सकती है शायद, अगर ऐसे करेंगे तो हम शायद जो थोड़ी बहुत उम्मीद है आमद मुदाकरात। का चूरन बेचने वाले सन 2018 से ये चूरन बेच रहे हैं, ये जो मुफाहमत का पैगाम आपके पास लेके आ रहे हैं, ये नहीं वो कहते कहीं मुजाकरात हो जाएंगे ना आखिर, हल तो मुजाकरात भाई। होंगे। बात ये है अली, बात मुझे बताइए कि मुजाकरात ऐसे होते हैं कि आप मेरे साथ दुनिया की हर ज्यादती कर लें और मैं आपके साथ बैठ के कहूं फिर भी हाथ जोड़ के मैं आपके साथ, मुजाकरात होते हैं फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, मुजाकरात नहीं होते फ्रॉम पोजिशन ऑफ वीकनेस। वीकनेस की पोजिशन से सिर्फ माफी तरले होते हैं जो कि नहीं। मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी है। देखिए आपकी मुजामत जो है किसी भी जाति, इमरान खान यही तो जेल में बैठ के एक ही तो पॉइंट प्रूफ कर रहा है कि मेरी मुजामत जो है मेरे जाति मकसद के लिए, जाति रिहाई के लिए नहीं है। मेरी जो मुजामत है वो एक असूली चीज के लिए है कि सियासत के अंदर जो ये रियासती अदारे हैं, फौज है, इंटेलिजेंस है, इनका कोई किरदार नहीं है, आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं है कि SFIC बनाए और उसके ऊपर जाके बैठे, ISI का कोई काम नहीं है कि सिविल अफसरों के तबादलों और उनकी प्रमोशंस के ऊपर रिपोर्ट दे, और ISI का कोई काम नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स 47 और 45 का रद्दोबदल करे। ये तमाम चीजें जो हैं ये महज सियासतदानों और सियासत वो लोग जो इलेक्टेड होके आते हैं उनका काम है। ये वाली जो मजामत है इमरान खान इसके लिए मजामत कर रहा है। और देखिए जो बात है ना मुजाकरात की, इमरान खान का पॉइंट बड़ा वाजे है कि जी बिल्कुल जो मुजाकरात करने हैं वो खुले आम होंगे, बंद दरवाजों के पीछे नहीं होंगे। आज अगर इख्तियार, वो तो बात ठीक है इख्तियार तो फौज के पास है या ISI के पास है, तो आपने मुजाकरात करने तो फिर खुले दरवाजों में आके मुजाकरात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रोल के अंदर जाइए, मुजाकरात खत्म, देयर इज नो पर्सनल एजेंडा। ठीक है, लेकिन अगर मुजाकरात होते हैं मिसाल के तौर पर, अगर मुजाकरात, तो मुजाकरात की सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि पहले इमरान खान पर मुकदमात खत्म करें, इमरान खान बाहर आएं और उसके बाद आप मुजाकरात करें, या कि इमरान खान अंदर ही हो और पार्टी लीडरान जो बाकी हैं उनके साथ मुजाकरात हो, ये क्या देखिए इसकी क्या शक्ल क्या हो सकती है मेरा मुजाकरात तो की? क्या, देखिए मैं तो कोई नहीं हूं उनको ये बताने के लिए कि मुजाकरात की क्या शक्ल हो, लेकिन दुनिया में कोई भी मुजाकरात होते हैं तो उसके लिए कुछ जो हैं वो CBMs होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जहां पे ये लगे कि यू आर सीरियस अबाउट मुजाकरात। तो मुजाकरात के लिए जो सबसे बड़ा आपकी डिमांड होनी चाहिए, मैं एक बात की डिमांड करता हूँ, अदलिया को आजाद कर दो, उनके बेडरूमों में से कैमरे निकाल दो, उनके जो भांजे भतीजे आपने उठाए हुए हैं उनको रिलीज कर दो, जजों को मेरिट के ऊपर फैसला करने दो। हम किसी ISI को और फौज को इस काबिल ही नहीं समझते कि उनसे कोई रिलीफ मांगी जाए। आप ऐसे ही देखिए इमरान खान की सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी ने करप्शन की है, इसके ऊपर कोई इल्जाम है, तो उसको अदालत देखे, उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली फैसला करे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जाली मुकदमे बना के और जजों को आप कैमरे लगा के ब्लैकमेल करके इतने भद्दे फैसले करवाएं कि वो मगलूब शुदा जज भी उन फैसलों के ऊपर खड़े ना हो सके। असल में तो CBM सबसे पहले यही होना चाहिए कि भाई जुडिशरी को आजाद कर दो। चले ठीक है। मेरा जजों की बात हो रही तो मैं बाबर सत्तार की भी बात करना चाहूंगा, लेकिन बाबर सत्तार पर जाने से पहले मेरा एक दो जो सवालात हैं वो इसके बारे में है कि आपने जो केस जो है, देखिए आपने इंग्लैंड में कर दिया है, आपने फैसल नसीर का भी नाम लिया, आपने बेसिकली जो केस किया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर किया, ठीक है, कि आपका जो केस है, आपका जो बुनियादी जो है, जो आपकी जो प्ली है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। इसका नतीजा क्या निकल सकता है? व्हाट कुड बी दी बेस्ट सिनेरियो आउट ऑफ इट? और या क्या ये सिर्फ ऐसी बस केस है और अखबारों की जीनत बनने के लिए और वगैरह वगैरह, या कि कोई आप समझते हैं कि रियलिस्टिकली, बिकॉज यू प्रैक्टिस द लॉ, तो इस वजह से हम पूछ रहे हैं कि रियलिस्टिकली इसका क्या हो सकता है? देखें अगर तो सिर्फ अखबारों की जीनत बनना होता तो फिर मैं सिर्फ फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा कर देता, फैसल नसीर मुकदमे में आता ना, बात खत्म हो जाती उसकी, मैं उसका बरतानिया की अदालतें क्या बिगाड़ लेती, उसने इसी तरह बरतानिया आने के काबिल ना रहता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर केस करने की एक बहुत बड़ी लीगल वजह यह है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है अपने एजेंट्स के, अपने एम्प्लॉयज के एक्शन और इनएक्शन के। तो हम जब अदालत में ये साबित करेंगे कि हमारे ऊपर होने वाली ज्यादती हमले और इस तमाम चीज़ों के पीछे ये दो लोग शामिल हैं जो रियासत के एजेंट्स हैं, और रियासत की, देखें ये नहीं मैं कह रहा कि फैसल नसीर की क्यों मेरे साथ पुरानी प्रकाश थी तो उसने मेरे ऊपर हमला करवा दिया, नहीं, देर वॉज अ चेन ऑफ कमांड, उसको अपनी चेन ऑफ कमांड से हुक्म आया होगा, लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज का इल्म है मेरे पीछे ये दो लोग शामिल हैं। तो अब इसका आउटकम ये हो सकता है या तो रियासत जो है वो इंटरनल इंक्वायरी करे और इन अफसरों को जिसे कहते हैं ना करार वाक़े सजा दे, और फिर जो मेरी लीगल टीम है उसके साथ बैठ के जो डैमेजेस मांगे जा रहे हैं या जो इसके अंदर वो चीजें हैं जिसमें से एक माफी भी है आपको कि
क्योंकि ये सिविल क्लेम है ना, मैं आपको जेल में तो नहीं डाल सकता, आपको इसके अंदर चार्जेस देने हैं और आपको माफी मांगनी है। लेकिन अगर आप नहीं ये कर पाते तो फिर आपके खिलाफ एक जजमेंट आएगी और वो जजमेंट होगी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और उस जजमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो फिर ये सिर्फ अखबारी जीनत नहीं है, ये पूरा वो प्रोसेस है। याद रखिए कि जो आर्बिट्रेशंस थी ना, जो हमारी ये रिकॉर्डिंग वगैरह की थी, वो आर्बिट्रेशंस थी। ये तो भाई उससे बड़ी बात है, ये अदालत का केस है, ये लंदन की हाई कोर्ट में फाइल हुआ है। तो ये जो बात है ये उससे ज्यादा सख्त बात है आर्बिट्रेशन की नस्बत। तो इसमें अगर कोई फैसला आता है जो मेरे हक में आता है, ये जरूर है ये कोई इतना आसान नहीं होता, लीगल चैलेंजेस होते हैं, ये बड़ा एक लंबा रास्ता होता है, इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, साल लग जाते हैं। लेकिन आई एम रेडी टू डू दैट एंड टेक दैट स्टेप। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि ये जो रियासती प्रैक्टिस है, मैं तो नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान इस चीज के अंदर मुलव्वस हो। देखिए मेरे पाकिस्तान के लोग, मैंने अपनी जो पिटीशन है उसके अंदर सिर्फ अपना साथ होने वाले जुल्म की बात नहीं की, या सिर्फ अपनी जमात से मुंसलिक लोगों की बात नहीं की, मैंने जहाँ पे आजम स्वाति और शहबाज गिल की बात की है, वहां पे मैंने वकास गुराहे की बात भी की है, मैंने गुल बुखारी की बात भी की है, फजल खान की बात भी की है, उन तमाम लोगों की बात की है, या उन बलोच लोगों की बात भी की है जिनको रियासत, जिनकी शक है कि रियासत उनको टारगेट करने में मुलव्वस है। ये देखिए पार्टी लाइन से हटकर है ये। अगर किसी बंदे को ये तासर है कि जी आपके दौर में भी ये होता था, तो भाई साहब मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर हमला शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने करवाया, मैं तो कहता हूँ रियासत का वो इदारा जो हमेशा अपने खिलाफ होने वाला जो जिसे कहते हैं डिसेंट है, जो इख्तलाफ है, उसको जोर और जबर के तरिए दबाना चाहता है, ये वो है। सियासतदान नहीं मारते एक दूसरे को, सियासतदान आज भी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन ये जो रियासती अदारा जो हमेशा से सियासतदानों को इस्तेमाल भी कर रहा है और उनको मगलूब करता है अपनी ताकत के बस के ऊपर, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा ये करने से बाकी लोगों को भी रास्ता मिले। मेरे दो तीन क्वेश्चन है और बड़े